हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं मुकुल त्रिवेदी। ओके, सो आज हम कुछ नया चीज एक लेके आए हैं। कोर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक नया कोर्स आ रहा है ना। जैसे हमने जेई के लिए निकाला था, वैसे अब हम एई के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात तो आपको अपनी एक शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आपके जैसे मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तब ऐसा कोई कोर्स नहीं था, मतलब है ना, तब ऐसा कोई कोर्स नहीं था। एक तो सिविल के पढ़ाने वाले बहुत कम थे, ठीक है, और ऐसा कुछ कोर्स नहीं था जो मेनली एई को फोकस करे, ठीक है, क्योंकि एई की पोस्ट बहुत आती है। एई की पोस्ट क्या होता है, ऐसी प्लान नहीं रहती, कई बार एकदम से आती है, ठीक है, कई बार कुछ कुछ स्टेट्स की प्लान रहती है कि हाँ भाई हम हर साल निकालेंगे, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सर से बोला, अभी मैंने देखा भी कि एमपीपीएससी का आपका वैकेंसी निकली है और इस बार लगातार 6 महीने में 2 पेपर लेने वाले हैं वो, है ना। तो मैं बोला बच्चों के लिए अपन कुछ लेके आते हैं जिससे उनका फोकस एक ही जगह रहे, ठीक है। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, गेट की कोचिंग कर ली या ईएससी की कोचिंग कर ली और फिर उसी का ही मटेरियल बाकी सब चीजों में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे बहुत बहुत ज्यादा होता था कि मेहनत भी कर रहे थे, है ना, मेहनत भी करते थे और जब वहां जाके पेपर देखा तो पेपर में कुछ अलग ही सवाल आते थे, ठीक है, कुछ अलग ही सवाल आते थे। तो जैसे गेट या ईएससी का आप पढ़ लो, फिर सोचो कि इसी से मिलता जुलता आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमको सारे एई जेई पता चले, ठीक है, वैसा भी नहीं था। इसलिए हम लेके आए हैं एई का कोर्स जिसमें आपके सारे स्टेट के एई जेई कवर होंगे, मतलब एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, बिहार पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, गुजरात पीएससी, यूके पीएससी, यूपीपीएससी। यूपीपीएससी में भी और बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है, सीजीपीएससी में भी आने वाली है आपका ये हिमाचल, है ना, फिर हरियाणा पीएससी, फिर आपका ये उड़ीसा पीएससी, ठीक है, और ऐसे साउथ के भी सारे पीएससी इसमें इंक्लूड है। जेके पीएससी भी देख सकते हो आप, है ना, जम्मू कश्मीर पीएससी। तो सारी पीएससी आपके एग्जाम निकालती है, तो आप उसका वेट नहीं निकाल रहे हो कि कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, है ना, फिर हम तैयारी चालू करेंगे, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आता है उसके 2-3 महीने बाद ही ये क्या करते हैं, अपना एग्जाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। और देख रहे हो आप अभी कोविड सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में हुई है, तो सब अभी चाह रहे हैं कि अभी अभी एग्जाम हो जाए तो पोस्ट अपनी भर जाए, अगर वापस से थर्ड वेव आती है तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप पहले से कोर्स ले लो अगर, और अपनी तैयारी रखो, फिर जैसे ही एग्जाम आएगा तो आप सबसे आगे रहोगे एग्जाम देने के लिए आप, क्योंकि पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहोगे। देखो आगे एग्जाम तो आने ही है, फिक्स से आएंगे, क्योंकि वैकेंसी हर स्टेट में है, बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। अब अगर आप इसमें और पूछना चाहेंगे कि सर इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, पहली बात हम 1200 आवर का कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको कई कई कोचिंग 60-70 हजार लेके इतना घंटे का कंटेंट नहीं देती है, 1200 घंटे का कंटेंट मिलेगा, सारी अच्छी फैकल्टी है, सबसे आप एक बार पढ़ भी चुके होंगे YouTube में, कई लोगों के आपने YouTube में लेक्चर भी देखे होंगे तो आपको पता होगा क्वालिटी कैसी है, ठीक है। साथ ही साथ हम वर्कबुक भी दे रहे हैं आपको, अब प्रिंटेड में देना थोड़ा मुश्किल है, पोस्ट वोस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पीडीएफ में दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, और रख लो। वर्कबुक में आपके एमपीपीएससी के क्वेश्चन होंगे, है ना, वर्कबुक भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की है, 3 सेक्शन में डिजाइन की है बहुत बढ़िया से। पहले आपके पहले सेक्शन में एमपीपीएससी के क्वेश्चन, राजस्थान पीएससी के क्वेश्चन, महाराष्ट्र पीएससी क्वेश्चन, मतलब अच्छी है पीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वो वाले भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, वर्कबुक भी आपकी क्लास में सॉल्व होगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और भी मैं आपको एक से एक बुक बताऊंगा, जैसे अगर आप वर्कबुक के अलावा और भी कोई बुक से सॉल्व करना चाहते हो तो वो आपको क्लास में बताई जाएगी कि आपको अगर वर्कबुक कम लग रही है, वैसे तो वर्कबुक में बहुत क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा कोई बुक सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी बताई जाएगी, क्लास में गाइड कराया जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद ये क्या क्या कवर करेगा, तो सारे स्टेट के एई एग्जाम कवर करेगा, और ऑब्वियसली आप एई लेवल का पढ़ रहे हो तो आपका जेई भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, जेई भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कौन सा पेपर कवर करोगे सर आप लोग, तो हम लोग पेपर 1 क्लियर यहां पे दिया गया है, पेपर 1 कवर करेंगे जो आपका प्रीलियम्स का होता है, प्रीलियम्स का होता है।
तो सर आप पेपर टू में साथ छोड़ दोगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और महाराष्ट्र वालों के लिए तो और बढ़िया, उनका तो पेपर टू भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनकी पेपर वन में ही पेपर टू की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उनका जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब जिनका मेंस, जिन जिन बहुत सारों का ऑब्जेक्टिव में ही होता है, एपी का भी ऑब्जेक्टिव में होता है, ठीक है, जिनका रिटर्न में होता है, सर उनको आप साथ छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे भाई साथ। आपके लिए मेंस में हम एक और कोर्स लेके आएंगे, मेंस का कोर्स होगा जो, है ना, और आपको कम कॉस्ट में दिया जाएगा वो कोर्स, ठीक है। तो पेपर टू की चिंता भी मत करो, पेपर टू भी हम पे छोड़ दो, अभी बस प्री देखो, अभी प्री देखो, अभी पेपर टू मत करो, अभी पेपर वन के बारे में सोचो, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, ऐप में होगी क्लास तो घर बैठे, कहीं जाना नहीं है आपको, कहीं बाहर नहीं जाना है, है ना, खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, नहीं तो हम लोगों को बाहर स्टेट जाना पड़ता था, ठीक है, पहले ऐसा था नहीं कुछ सिनेरियो, अब ऐसा हो गया कि आप घर बैठे घर का खाना खा के, नहीं तो आधे लोग दिल्ली जाते थे, है ना, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते थे, और कुछ तो वहां पानी गंदा होने के कारण, इसके कारण टाइफाइड हो जाता था, तो बीमारी में ही पड़े रहते थे बेचारे, उनका पूरा कोर्स भी खराब हो जाता था, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है। अब लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, जैसे पहले मैंने हिंदी में बता दिया, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है। तो लैंग्वेज दोनों चलेगी, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है, आपका पूरा टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपके जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, और आप चाहो तो फैकल्टी का अपना नंबर भी ले सकते हो, मेरा नंबर आप अभी ले लो, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप अभी नंबर ले लो, आप पूछ लो, ठीक है, आप कंसल्ट कर लो लेने से पहले कि सर क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, क्या हम अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो क्या हमको रिकॉर्डेड में देखने मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड में देखने मिलेगा, कितने बार देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है, ओके। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे, ग्रुप पे ही भेजे जाते हैं, तो आप वहां पे पोल वोल के तरीके आप देख सकते हो, टेलीग्राम में एक से एक पोल रहता है, तो उसके तहत बढ़िया से आपको कॉम्पिटिशन का भी पता चलेगा कि हाँ भाई कौन ज्यादा नंबर ला रहा है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी? मात्र 10,000 होगी, ठीक है, उस इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, 18% जीएसटी रहता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी हम देंगे। आपको कितना देना है? आपको देना है सिर्फ ये 10,000, ठीक है। अब ये क्या सर ईएमआई में दे सकते हैं? तो हाँ, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है वहां पे, पेमेंट में आप वहां पे जाके ईएमआई का ऑप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस कोर्स के, है ना, जिसको आप देख सकते हो। समझ में ना आए तो आप मेरा नंबर लिख लो, 7828609580, इस पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर क्या क्या फीचर्स हैं आपके कोर्स के, और आपका कुछ इससे रिलेटेड डाउट हो कि सर ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं, वो सब्जेक्ट होगा कि नहीं, तो सब्जेक्ट आपको सारे के सारे बताए हैं। अमित सर का वीडियो देखोगे आप, 1 तारीख वाला, 1 अगस्त वाला, तो उसमें आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट होंगे, सीपीएम भी होगा, ठीक है, सीपीएम मैं खुद लेके आऊंगा, ठीक है, सीपीएम भी अच्छे तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि एई में सीपीएम आता है, बहुत सारे स्टेट्स में आता है, तो सीपीएम भी कराया जाएगा अगर ये डाउट है तो, ठीक है। अब क्या मेनली किसके लिए फोकस कर रहे हो आप? तो मेनली अभी जो निकला है आपका एमबीपीएससी, उसी के लिए हमने अभी फोकस किया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्कबुक में क्वेश्चन सारे पीएससी के होंगे आपके पास प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ऑल एंड ऑल क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, ठीक है, वो सारे पीएससी का सेम होता है, तो ठीक है, तो कंटेंट भी उस हिसाब से दिया जाएगा, तो इसमें आपके एई भी कवर हो रहे हैं और एज वेल एज जेई का लेवल तो कम होता है, तो आप जब ऊपर लेवल के क्वेश्चन बना पा रहे हो तो नीचे लेवल के क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। तो 10,000 कोई खराब नहीं है, है ना, खर्च करना अपने फ्यूचर के लिए, अगर एक परमानेंट बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है आपको गवर्नमेंट की, तो ये कोई खराब स्कीम या खराब बहुत ज्यादा भी नहीं है, ये पेमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको 1200 घंटे दिए जा रहे हैं, 1200 मतलब आपको पर आवर 10 रुपए भी नहीं पड़ रहा है ये कोर्स, ठीक है, पर आवर 10 रुपए भी नहीं दे रहे हो। बचपन में वीडियो गेम खेलने के लिए तो 20-20 रुपए दे देते थे, ठीक है, तो यहां पे 10 रुपए भी नहीं लग रहा है, और
कंटेंट आपको लाजवाब मिलेगा। जिन्होंने जेई में अगर आपके किसी दोस्त ने एनरोल किया है तो आप उससे भी पूछ सकते हो कि उसको कंटेंट कैसा मिल रहा है, या गेट में होंगे आपके कोई फ्रेंड्स तो वो देख सकते हो। आप क्रैश कोर्स की क्लासेस देख सकते हो कंटेंट का लेवल चेक करने के लिए, ठीक है, उसके बाद ही लो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो उसके पहले लोगे तो आप पहली क्लास से अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर लेना, नंबर है 7828609580। ओके चलिए, ठीक है, बाय बाय।